अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बिजली विभाग अकाउंटेंट के जो पोस्ट आए हैं उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके और हिंदी सेक्शन करने वाले हैं, जीके और हिंदी सेक्शन करने वाले हैं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल, बी है रंगपुर और सी है हड़प्पा और डी है मोहनजोदड़ो। तो अगर बात करें पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति की अगर बात करें तो ये जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसे दाहिने पैर के बल खड़ा हुआ, इसमें जो मूर्ति में जो दर्शाया गया है दाहिने पैर के बल खड़ा हुआ और बायां पैर जो है नृत्य करते हुए हवा की अवस्था में है, जिसे नटराज की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? बताना है नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो नील आयोग की अगर बात करें तो बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर नामक गांव में सितंबर 1859 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग के अध्यक्ष जो थे WS सीटर कर थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, भूकंप आने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी की जनसंख्या वृद्धि के कारण और ऑप्शन सी है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण के कारण या ऑप्शन डी है पृथ्वी की विवर्तनी प्लेट की गति के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी की जो विवर्तनी प्लेट है उसकी गति के कारण जो है भूकंप आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है असम हिमालय, ऑप्शन डी है पूर्वांचल हिमालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। अगर अन्य नदियों की बात करें पंजाब जो कि सिंधु और सतलज के मध्य है, कुमाऊं का सतलज और काली नदी के बीच, और नेपाल की अगर बात करें तो काली और तिस्ता नदी के बीच है, जबकि असम जो है तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 35A के अनुसार जो है भारत के जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले अब कोरम क्या है, तो राज्यसभा को जो कोरम पूरा करने के लिए है जितने भी राज्यसभा के टोटल सीट है उसका 10% मौजूद होना अनिवार्य है।
10% होना मौजूद अनिवार्य है। तो राज्यसभा की टोटल सीट की बात की जाए तो 250 है, इसका 10% होता है 25। तो इस तरह से इसके सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल सीट जो है 550 है, इसका 10% अगर कोरम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। सातवां प्रश्न है, किसको मापने के लिए एस्टेरोगोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन है शुद्धिगतिक संयांता, ऑप्शन बी है पृष्ठ संयांता, ऑप्शन सी है अपवर्तनांक सूचक और ऑप्शन डी है प्रकाशित क्रियाकलाप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए जो है एस्टेरोगोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8, रसायन शास्त्र में कण जिसे मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, एवे लेवोजियर या एमिदो एवोगाड्रो के द्वारा या विलहेम होस्टवाइल्ड के द्वारा या ऑप्शन डी है जोल डाल्टन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विलहेम होस्टवाइल्ड के द्वारा जो है रसायन शास्त्र में जो कण है जो मूल है शब्द का परिचय जो है विलहेम होस्टवाइल्ड के द्वारा कराया गया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। यहाँ पर पूछा गया है पादप कोशिका जो होती है, दो प्रकार की कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका का अर्थ हुआ पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसे पादप कोशिका के अंतर रखते हैं। तो कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, उसका क्या काम है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारक और पादप कोशिका की रक्षा करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है, जो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो पर्यावरण कारक यानी बाहरी कारक से कोशिका की रक्षा करती है, आंतरिक भाग की रक्षा करती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जीके सेक्शन में आप लोगों को पता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए एक करंट अफेयर दिया हुआ है, जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 80, बी है 82 और सी है 78 और डी है 84। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 80। भारत का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो है भारत की रैंकिंग जो है 80वां है। और अगर शीर्ष देशों की बात करें तो नॉर्वे इसमें शीर्ष स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे 11 से 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग सेक्शन का है। रीजनिंग बिल्कुल ही कॉमन है। अब हम लोग सीधा 21 क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी सेक्शन। हिंदी सेक्शन में भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो होगा वो कंप्यूटर सेक्शन से होगा, जो भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए पहला जो हिंदी का सेक्शन का प्रश्न है, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 4, बी 7 और ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 5। तो सबसे पहले विकारी शब्द होता क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो विकारी शब्द ऐसा शब्द जिनके रूप लिंग कारक और वचन कोई परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे जैसे कि अगर हम कहें कि लड़का पढ़ता है तो लड़का पढ़ता है, और वहीं अगर हम बात करें लड़की पढ़ती है, तो यहाँ लड़का और लड़की यानी यहाँ लिंग में जो है परिवर्तन हुआ है, वचन और कारक में यहाँ परिवर्तन हुआ है, इसे ही हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है तो याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। श्रृंगार, श्रृंखला, यह बताना है कि शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन क्या है। अनुकृति, अनुकृति,
यहां पर जो है ये दोनों शब्द जो है अशुद्ध है, दोनों शब्द अशुद्ध है। देखिए दोनों बर्तन ही शुद्ध है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, दोनों बर्तन ही अशुद्ध है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि का समास, ये बिल्कुल गलत है। संधि का जो विलोम शब्द होता है, संधि का विग्रह होता है। श्वास का निश्वास बिल्कुल सही है। औदार्य का अनौदार्य होता है, ये भी सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शुद्ध रूप नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है यह गलत है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, आदि से अंत तक इसे क्या कहा जाएगा, अधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधोपांत जो होता है आदि से अंत तक होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? सस्य, बी कुलीन, सी कांतार और डी आभारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कांतार जो होता है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इस वर्ष अच्छी फसल होने की डैश से इस वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। कल्पना, इस वर्ष अच्छी फसल होने की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे का सेक्शन जो है वो है आपका, इसके अगला जो सेक्शन है वो होगा गद्यांश से 3 क्वेश्चन। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।